नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 22 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ही समस पर साजा भोगा दुखा यो न या ईवाते अद्या अंता वंता कौंतेया ना तेसु रमते बुधा। An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. तो एक intelligent person जो है वो जो मिजरी यानी कि जो दरिद्रता कृपणता जो ये सारी चीजें हैं उसके साथ में वो खुद को जुड़ता नहीं है। Which are due to contact with material senses, जो चीजें material चीजों के साथ में आपको entangle कर दे ज्यादा, तो वो उस चीजों में ज्यादा नहीं घुसता है। तो कृष्ण भगवान या कुंती के साथ यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, सच प्लेजर्स हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड। ऐसे जो प्लेजर्स होते हैं ना कि मुझे मतलब जो मटीरियल प्लेजर्स होते हैं वो सभी का एक सूत्र मतलब शुरू होता है एंड खत्म भी हो जाता है। एंड सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम, इसीलिए जो वाइज होते हैं वो उस चीजों में ज्यादा नहीं घुसते। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उतना ज्यादा वो खुद को उसके अंदर एंटेंगल नहीं करते हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। मटीरियल सेंस प्लेजर्स आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ द मटीरियल सेंसेस विच आर ऑल टेम्पररी बिकॉज द बॉडी इट्सेल्फ इज टेम्पररी। शरीर में जो मटीरियल, क्योंकि हमें कोई एक चीज खाना बहुत पसंद आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, तो वो टेस्ट बट काम कर रहा है। इसीलिए जब कोविड हुआ था या फिर जब कोई बीमारी होती है तो कोई भी खाने का टेस्ट नहीं मिलता है, तो कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता है क्योंकि टेस्ट ही नहीं मिलता है। तो वो टेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो शरीर है। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, तो उस खाने के पीछे जो लालसा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज देखने की इच्छा, जब शरीर में आंखें नहीं रहेगी, जब कान नहीं रहेंगे, जब मतलब कोई भी सेंस ऑर्गन्स तब ही रहते हैं जब हमें शरीर मिलता है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए सारी चीज टेम्पररी वैसे भी है। अ लिबरेटेड सोल इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग विच इज टेम्पररी। जो मुक्त आत्मा है उसे टेम्पररी कुछ भी नहीं चाहिए, उसे जो भी चाहिए परमानेंट चाहिए। नोइंग वेल द जॉयज ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 5 मिनट के लिए दे दो, मुझे 10 मिनट के लिए दे दो, ऐसा नहीं है। मुझे जो मिलेगा वो इतना मिलेगा कि वो कभी मुझसे जाएगा ही नहीं। सो क्योंकि ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स या स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक जो ये जो शांति होती है ना, ये जो फीलिंग दे सकती है आपको, वो स्पिरिचुअलिटी परमानेंटली दे सकती है, क्योंकि उसमें ना आपको अंदर से विश्वास होगा कि ये कभी जाएगा नहीं मुझसे। इनसिक्योरिटी नहीं होती स्पिरिचुअलिटी में। हालांकि कुछ लोग ऐसे भगवान के साथ में इनसिक्योर हो जाते हैं कि भगवान मुझे कृपा करेंगे, क्योंकि उनके कर्म में भी शायद ऐसा कुछ रहता है जो उनको इनसिक्योर फील करवाता है कि शायद उन्होंने ऐसे कर्म वो खुद नहीं किए होंगे, मतलब खुद नहीं जानते होंगे या खुद इस जन्म में नहीं किए होंगे या फिर उनको याद नहीं होगा। बट सोल को ना, जो हमने पहले कोई चैप्टर में पढ़ा था, सोल का सब कुछ याद रहता है, सब कुछ एक अलग से फीलिंग रहती है। जो गट फीलिंग होती है ना, इंस्टिंक्ट होता है, वो सोल के अंदर से आती है, वो शरीर से नहीं आती है। इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग जो होती है वो सोल को मिलती है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में ना बहुत ऐसा लगेगा कि ये तो बन ही जाएगा, हालांकि वो चीज भी कन्फर्म नहीं है। एंड कुछ चीजों में लगेगा कि बनेगा भी या नहीं बनेगा। सो वो कर्मा के ऊपर होता है, जो हमने कभी ना कभी कर्म किए हैं वो हमें याद हो ना हो, हमारे सोल को उस चीज का रियलाइजेशन रहता है, तो उस हिसाब से ही हमारे इंस्टिंक्ट्स, बिहेवियर, बिलीव्स ऐसे ही काम करते हैं। सो उनको जिस सोल को ये ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स मिल जाते हैं, हाउ कैन अ लिबरेटेड सोल एग्री टू एंजॉय फॉल्स प्लेजर। इन द पद्मा पुराना इट इज सेड, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे सिद्ध आत्मणि इति रामा पदेनासौ परम ब्रह्मा भिधीयते। द मिस्टिक्स डिराइव अल्टीमेटेड ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड देयरफॉर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ऑल्सो नोन एज रामा। तो जो हमें ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स के जो मिस्टिक्स है, जो सीक्रेट्स है, वो हमें डिराइव अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल प्लेजर फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है, वहां से ही आपको ट्रांसेंडेंटल प्लेजर्स मिलेंगे। मतलब
जो ईश्वर जो है वही परम सत्य है। तो ईश्वर के ध्यान से ही आपको अंदर से वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस होंगे। एंड आपको ये जो बोला, देयरफॉर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ऑल्सो नोन एज रामा। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है उनको रामा भी बोला जाता है। मतलब जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो रामा वर्ड है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को डिफाइन करता है। ये वर्ड का डिराइव कहाँ से हुआ है वो एक बार मुझे भी देखना होगा कि र आ म आ इसके शब्द के भी कोई अर्थ है जिससे कि ये ही समझा जाता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को राम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो परम सत्य है। जैसे पुरुषोत्तम है वो मतलब सुप्रीम ट्रुथ है। ठीक है, इन द सुप्रीम इन द श्रीमद् भागवतम ऑल्सो इट इज सेड नयम देहो देहा भजम नरलोके कष्टान कमन अर्हते विद भुजाम ये तापो दिव्याम पुत्र का येना सत्वाम शुद्धेद यस्मद् ब्रह्मा सौख्याम तव अनंताम। माई डियर सन्स देर इज नो रीजन टू लेबर वेरी हार्ड फॉर सेंस प्लेजर। बहुत ज्यादा तकलीफ कर रहे हैं क्यों मुझे एसी में रहना है, बहुत ज्यादा तकलीफ कर रहे हैं क्योंकि मुझे गाड़ी चलना है, बहुत ज्यादा तकलीफ कर रहे हैं क्योंकि मुझे घर चाहिए। इनमें से कुछ ना कुछ मैं भी कर रही हूँ। बट वाइल इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ सच प्लेजर्स आर अवेलेबल टू द स्टूल ईटर्स हॉग्स। रादर यू शुड अंडर गो पेनेंसेस इन दिस लाइफ बाई विच योर एग्जिस्टेंस विल बी प्योरिफाइड। हाँ मैं हार्डवर्क करती हूँ बट उस टाइम पे जस्ट मैंने पहले भी गीता के श्लोक में बोला था कि मैं जैसे ये माला बैग रखती हूँ, मैं जब हार्डवर्क करती हूँ जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या फिर कभी कभी मैं चल के जाती हूँ ताकि मैं पैसे बचा सकूँ, तो ये जो मैं हार्डवर्क करती हूँ पैसे बचाने के लिए मटेरियल चीज़ है, तो उस टाइम पे मैं ये भी कर लेती हूँ, जॉब भी कर लेती हूँ। तो मैं अपने हार्डवर्क में भगवान को भी साथ में रखती हूँ ताकि मुझे टाइम वेस्ट लगता है कि जब मैं चल के जा रही हूँ तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट, ट्रैवलिंग मुझे लगता है टाइम वेस्ट है कहीं पे भी जाने का। और कभी भी मान लो स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं बैठी हूँ जिस टाइम पे कुछ नहीं लिखना है कुछ नहीं पढ़ाना है उसका एग्जाम लेना है तो उस टाइम बैठे रहने का मुझे लगता है टाइम वेस्ट। तो वो सारे टाइम मैं स्पिरिचुअलिटी में यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ या कर ही लेती हूँ, ईश्वर की कृपा है। तो मैं एक हाथ से, क्योंकि लोग बोलते हैं दाहिने हाथ से ही हमेशा जाप कर जिसका जो हैंड है, मतलब राइट हैंडेड लोगों को राइट हैंड से, लेफ्ट हैंडेड लोगों को लेफ्ट हैंड से। मैंने सोचा कि ईश्वर ने हमें इतने अंग दिए क्यों हैं, इसको यूटिलाइज करने के लिए, ये टेम्परेरी मटेरियल बॉडी क्यों मिली है हमें, ताकि हम इसको यूटिलाइज करें और हमारे सोल को शुद्ध कर पाए, प्योरीफाई कर पाए बाय डूइंग स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे अगर राइट हैंड से लिखना है, मतलब कुछ मटेरियल काम करना है, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को क्यों बचा के रखूँ उस टाइम पे, मैं लेफ्ट हैंड से क्यों ना उसको बॉडी का एक अंग को मैं यूटिलाइज कर लूँ स्पिरिचुअलिटी में। अगर भक्ति भाव होगा आपने राइट यूज किया कि लेफ्ट यूज किया उसका कुछ नहीं होगा। अगर ये इतना ही अशुद्ध होता तो भगवान इसको बनाते ही नहीं, भगवान ने बनाया है ना, तो जो भी भगवान ने बनाया वो सारी चीजें शुद्ध है, वो सारी चीजें एक्सट्रीम प्योर फॉर्म में है जो कुछ भी भगवान ने बनाया है। सो आपके अंग के हर एक अंश क्योंकि भगवान का देन है, उनका आशीर्वाद है, तो वो पूरी तरीके से शुद्ध है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी ना हर चीज में, आप पॉजिटिविटी ढूंढ ही लोगे। सो मैं बाई हाथ से जैसे कि ऐसे मान लीजिए मैं रख के जाप करती रहती हूँ। एंड ऐसे भी कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक लाइन समझा रही हूँ, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बताऊंगी ताकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते ना, तो उनको अगर मन है तो वो निकाल सकते हैं टाइम। बहुत जब जब मैंने किसी को बताया कि तुम ऐसे कर सकते हो तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है स्पिरिचुअलिटी, वो अलग से ध्यान से बैठ के करना है, वो उनका लुकआउट है। क्योंकि मैंने देखा वो फ्री भी बैठी रहती है तो फिर एक दो माला के बाद में वो फिर से फोन देखने लग जाती है, बोर ही हो जाती है। फोन भी देख रहे हो तो फोन देखते देखते भी करो ना, मतलब अपने दिमाग को इनिशियली एक दिन में दो दिन में थोड़ी ना होगा, साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना इंटरेस्ट है। तो फोन देखते देखते भी एक हाथ में जाप करते रहो और फोन देखते रहो, वीडियो भी मैं देखती हूँ तो कभी कभार मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कभी कभी भूल जाती हूँ तो, लेकिन याद कर लेती हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है मैं थोड़ा जाप कर लेती हूँ। वॉक करते करते कर लिया, मतलब ऐसे ही अब कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये हाथ से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतीय गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमने जोर से बोला। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, एक लाइन बोल रही हूँ, मन ही मन मैं उसको भी चला रही हूँ, ये मन में मेरा चल रहा है, मैंने दो बार बोल भी लिया।
ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल भी सकते हो, उसको मन मन चला भी सकते हो। तो वो प्रैक्टिस में जाने के लिए आपको बार बार करना होगा, दिन भर करना होगा। वो आपको इंटरेस्ट होगा तभी होगा, जबरदस्ती नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको मन निकल गया, मैं भी बहुत बार बोलते बोलते मतलब होता है कि बहुत टाइम बोले जा रही हूँ, बोर लगता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ या फिर कर लेती हूँ, मतलब वैसे ही 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, या मन नहीं कर तो मत करो, मन करता है तो कर लो। तो ये सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। रादर यू शुड अंडरगो पेनेंसेस इन दिस लाइफ बाय विच, ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आपका ट्रांसेंडेंटल ब्लिस मिले आपको और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी आगे बढ़ जाए। तो सिर्फ स्पिरिट, क्योंकि भगवान ने भी बोला है, एक हाथ से कर्म करो तो दूसरे हाथ से भक्ति करो साइमल्टेनियसली। ठीक है, मल्टीटास्किंग वो खुद ही मना करते हैं भगवान करने के लिए, एक काम एक ही टाइम पे करने बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल मतलब मटेरियल वर्क एक ही काम एक ही टाइम पे करो और उसके साथ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर दो हर एक स्टेप में, तो उससे क्या होगा ना, मटेरियल काम भी स्मूथ हो जाएंगे, पीसफुली करोगे। और एक पॉइंट है कि जब आप मान लो गुस्सा आ रहा है और हर टाइम जाप करो, तो आपको लगेगा अरे गुस्सा करते करते थोड़े ना भगवान को याद करते हैं, दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा मेरी इतनी टाइम तक की, वो खराब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे वजह से आप गुस्सा भी नहीं करोगे, तो उससे आपका बिहेवियर भी ठीक रहेगा हमेशा। देयरफॉर दोज हु आर ट्रू योगीज और लर्नड ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंस प्लेजर्स व्हिच आर द कॉजेस ऑफ कंटिन्यूअस मटेरियल एग्जिस्टेंस। मतलब ठीक है तो है अगर, लेकिन उनको मिल भी जाता है, ये भी बहुत अजीब बात है, उनको अट्रैक्शन नहीं उस चीज के लिए, लालसा नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी मैच करते हैं, जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हो, अट्रैक्टेड होते हो, पाने चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। जिसके लिए आप रिलैक्स रहते हो, नहीं मिले तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो आपको मिल ही जाती है। ठीक है, द मोर वन इज एडिक्टेड टू मटीरियल प्रेशर्स, एडिक्टेड अगर हो गया आप, द मोर ही इज एंट्रैप्ड बाई मटीरियल मिजरीज, उतना ही चीजें नहीं मिलते हैं। तो यही तक था श्लोक नंबर 22 भगवदगीता चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगले वीडियो में श्लोक 23 को कवर करेंगे, तब तक के लिए जाप करते रहो। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।